हेलो एवरीवन, मैसेल भावना ठक्कर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके लिए पहले मॉड्यूलस z की वैल्यू फाइंड करना है। मॉड्यूलस z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और बाद में उसको स्क्वायर रूट ऑफ z की फॉर्मूला में रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड्यूलस z प्लस x अपॉन टू प्लस स्क्वायर रूट मॉड्यूलस z माइनस x अपॉन टू आई। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन आएगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगी माइनस साइन, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर जेड इज इक्वल टू फाइव माइनस ट्वेल्व आई, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ जेड मीन स्क्वायर रूट ऑफ फाइव माइनस ट्वेल्व आई। सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, सो मॉड्यूलस z इज इक्वल टू, नाउ कंपेयर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विथ x प्लस आई वाई। सो रियल पार्ट मीन्स x इज इक्वल टू फाइव एंड y इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, मीन्स i का कोएफिशिएंट, सो y इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। नाउ मॉड्यूलस z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू फाइव एंड y इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, सो फाइव स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेल्व स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस 144 is equal to 169 is equal to 13. Okay, so modulus z की जो value है वो है 13. Now square root of z, y is equal to minus 12, which is less than 0. So square root of z is equal to square root of 5 minus 12i is equal to plus or minus स्क्वायर रूट मॉड्यूलस z प्लस x अपॉन टू, यहाँ पे माइनस साइन है सो माइनस स्क्वायर रूट मॉड्यूलस z माइनस x अपॉन टू आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस z इन दिस फॉर्मूला, सो इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड्यूलस z इज 13, सो 13 प्लस x इज इक्वल टू 5, 13 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 13 माइनस 5 अपॉन 2 आई, क्लियर, इज इक्वल टू प्लस माइनस, नाउ 13 प्लस 5 18 अपॉन 2, सो स्क्वायर रूट 9 माइनस 13 माइनस 5 अपॉन 2, सो 13 माइनस 5 8 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 4 आई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो 3 माइनस 2 आई, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आई इज प्लस माइनस 3 माइनस 2 आई, क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फॉर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आई, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट मॉड्यूलस z, नाउ कंपेयर दिस नंबर विथ x प्लस आई वाई, सो रियल पार्ट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4,
x is equal to 3, y is equal to 4. Now modulus z is equal to under root x square plus y square is equal to x is equal to 3, y is equal to 4. So 3 square plus 4 square is equal to 9 plus 16 is equal to root 25 is equal to 5. Okay, so modulus z is equal to 5. Now put the value of modulus z in the formula of square root z. So square root of z is equal to square root of 3 plus 4i is equal to plus minus. Now square root of modulus z plus x upon 2. Yahan pe plus sign, so means y is equal to 4, which is greater than 0. So plus square root of modulus z minus x upon 2i, right, is equal to plus minus. Now modulus z is equal to 5, so 5 plus x is equal to 3 upon 2 plus modulus z is 5 minus 3 upon 2. Clear? Is equal to plus minus. Now 5 plus 3, 8 upon 2. So 4 plus 5 minus 3, 2. 2 upon 2. So square root of 1 I is equal to. Now square root of 4 is 2 and square root of 1 is equal to 1. So 2 plus 1i means 2 plus i. So square root of 3 plus 4i is equal to plus minus 2 plus i. Clear? तो आपको क्या करना है, square root find करने के लिए पहले modulus z की value find करना है और बाद में आपको ये value square root z की formula में